ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नानिया कंपनी का कंट्रोलर लगा है, सीवाई कंपनी का मोटर लगा है, तो बैटरी लीडर कंपनी की लगी है, मतलब लेकिन कोई भी यहाँ पे मेरे को जर्क नहीं लग रहा है, कोई भी यहाँ पर कुछ ऊपर खाबर या खराब नहीं हो रहा है। एक हाथ से भैया प्रो है, एक हाथ से रिक्शा चला रहे हैं। 30 आई थी ये, 31 दोस्तों, 31 की स्पीड दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 की स्पीड किसी भी रिक्शा में आई है, पहली बार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी। ये हमारे साथ भैया हैं और दिल्ली लाइट ई रिक्शा है, इनका हमने इससे पहले वीडियो में पूरा ई रिक्शा का रिव्यू किया है, सारी जानकारी दी है दिल्ली लाइट ई रिक्शा के बारे में। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। भैया 30-35 की स्पीड कह रहे हैं, और सबसे अलग बात इसमें यह है कि कंट्रोलर किसी और कंपनी का लगा है, मोटर किसी और कंपनी का लगा है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नानिया कंपनी का कंट्रोलर लगा है, और कंट्रोलर यहाँ पे नानिया कंपनी का लगा है, और नीचे देखिए मोटर जो है, मोटर आप देखिए यहाँ पर सीवाई कंपनी का मोटर लगा है। और बात करें बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी लीडर कंपनी की लगी है, मतलब हर चीज़ अलग अलग कंपनी का लगा हुआ है, तो ये चीज़ है। अब हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो चलिए भैया, आप इसको बंद कर दीजिए पहले, फिर हम रिक्शा चलाएंगे और आप लोग दोस्तों बताएंगे आपको कि रिक्शा में स्पीड कितनी आ रही है, कंट्रोलर किसका लगा है, मोटर किसका लगा है, और बैटरी किसके लिए, सब हम बता चुके हैं। 30-35 की भैया स्पीड कह रहे हैं, और लेकिन हम देखते हैं कितनी स्पीड आ जाती है। दोस्तों ई रिक्शा स्टार्ट हो चुका है, और हमने यहाँ पे स्पीड टेस्ट, जैसे हम हिसाब करते हैं ऐप का, तो हमने स्पीड भी लगा दी है। देखिए स्टार्ट करते ही स्पीड टेस्ट होने लगा है, 26-27 आ चुकी है स्पीड यहाँ पर, और 27 स्पीड आ चुकी है, 28 स्पीड यहाँ पे आ चुकी है, और 30 तक की स्पीड चली गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 29 स्पीड इसकी पहुँच गई है, 29 पहुँच गई है, और 30 का आंकड़ा दोस्तों, पहली बार किसी भी रिक्शा ने 30 का आंकड़ा छुआ है, बहुत ही। और 29-30 चल रहा है इसका स्पीड, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर उसको बढ़ देता हूँ, और कोई यहाँ पे मेरे को जर्क नहीं लग रहा है रोड, हालांकि रोड अच्छा है जाहिर सी बात है, लेकिन कोई भी यहाँ पे मेरे को जर्क नहीं लग रहा है, कोई भी यहाँ पर कुछ ऊबड़ खाबड़ या खराब नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम यहाँ से वापस लेंगे, और रोक दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, फिर आगे पूरा ही आगे ले लीजिएगा, फिर पूरा ही आगे तक वहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम टर्न कर रहे हैं, देखिए, और रुक जाओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। चलिए तो दोस्तों, मैं आप आगे बैठ गए, यहाँ भैया भी मेरे साथ हैं, और ये देखिए यहाँ पे स्पीड चल रहा है, एक हाथ से भैया प्रो है, एक हाथ से रिक्शा चला रहे हैं, मस्त देख रेख में हूँ, और यहाँ भैया स्पीड देखिए, स्पीड 24 की आ रही है, 26 की आ रही है, तो भैया ने अगर 30 कहा था, 30-35, तो 30 की स्पीड आ गई है। और अब पता नहीं ये अलग अलग कंपनी के कंट्रोलर लगाने की वजह से हुआ है दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 की स्पीड किसी भी रिक्शा में आई है, पहली बार, और इसका बहुत अच्छी बात है कि 30 की स्पीड आ चुकी है, और बहुत हमें अच्छा लग रहा है वैसे तो। और यहाँ पर देखिए 29 की स्पीड अभी आई थी, 29 की देखिए यहाँ पे, बिल्कुल साफ स्पीड दिख रही है आपको, एक बार 30 भी पहुँचा था, लेकिन अभी 29 दिख रहा है, 29 भी किसी की नहीं पहुँचती है, 29 तो यहाँ पहुँच गई है, और पूरा इंजन पे बिठा ही दीजिएगा। देखिए अभी 30 आई थी, ये 31 दोस्तों, 31 की स्पीड, और 31 चलने के बाद भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज चला रही है, जर्क लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। रुक दीजिए, बस आगे चलना है अपने हिसाब से, तो स्पीड अच्छी आ रही है, ई रिक्शा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे को, कोई भी जैसे पीछे पैसेंजर पे बैठा था, सीट पीछे वाली कंफर्टेबल है, बहुत बड़ी सीट है, कंफर्टेबल सीट है, जर्क बिल्कुल नहीं लग रहा था, और बहुत मतलब
मतलब इनके आपको अच्छा खासा कंफर्ट फील हुआ है। शीशा यहाँ अभी नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है शीशा भैया ने कहा आगे लग जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे भैया हैं, मास्क लगा रखा, इन्होंने मास्क एक तरह से लगा रखा है क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे बहुत वो ना लगने की वजह से जो यहाँ पे शीशा नहीं है उसकी वजह से बहुत भक्का सा आ रहा है। धूप का भी टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी धूप बहुत भक्का आ रहा था तो बहुत दिक्कत है। और उम्मीद करते हैं गर्मी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और हम आगे कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमारे चैनल में आने के लिए और हमें अपने ई रिक्शा का रिव्यू देने के लिए और अपने स्कूटर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। और भैया बाय कर दीजिए हमारे दर्शकों, एक हंसी मैंने छोड़ के एक साथ बाय किया है तो बहुत बढ़िया। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और हमारे ई रिक्शा भाइयों को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।